यह खबर देखने के बाद शहरवासियों को अलर्ट हो जाने की जरूरत है। शहर में ऐसे शातिर गिरोह सक्रिय हैं जो शादी समारोह में मेहमान बनकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसी ही दो वारदातें बुधवार रात को अलवरगेट थाना क्षेत्र के दो शादी समारोह स्थलों पर हुई। शातिरों ने करीब 10 लाख के जेवर और नकदी पार किए और भागने की फिराक में रेलवे स्टेशन पहुंच गए। गनीमत रही कि उनको जिस ट्रेन से फरार होना था वह 4 घंटे लेट हो गई। इधर वारदात के बाद हरकत में आई पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से उन्हें रेलवे स्टेशन से दबोच लिया। पहली वारदात हुई रात 8 बजे। धोलावाटा रोड पर स्थित शादी समारोह स्थल मीनाक्षी वाटिका में बुधवार को गुर्जर धरती निवासी मधु परिहार की शादी समारोह में शातिर चोर गिरोह के बच्चे और महिलाएं मेहमानों की भीड़ में शामिल हो गए थे। मधु परिहार के भाई गुर्जर धरती निवासी रोहित परिहार ने बताया कि पता चला कि उसकी माताजी का बैग पार हो गया। बैग में 4 मोबाइल फोन, सोने चांदी के जेवर और नकदी थी। करीब 1 लाख का सामान बैग में था। समारोह स्थल की वीडियोग्राफी में संदिग्ध बच्चे और महिलाओं को चिन्हित कर अलवरगेट थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। थाना प्रभारी मुकेश चौधरी और जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर दातार सिंह के अनुसार पकड़े गए गिरोह में बालिग आरोपी कोटा कच्ची बस्ती निवासी मंगल पुत्र हनुमान सिंह, सवाई माधोपुर निवासी मंगल पुत्र कंवर सिंह और सवाई माधोपुर निवासी मोहन पुत्र साधु बावरी को गिरफ्तार किया गया। नाबालिग को संरक्षण में लिया गया। आरोपियों से कई वारदातें खुलने की उम्मीद है। दूसरी वारदात उसी रात 10 बजे नसीराबाद रोड स्थित टोरंटो समारोह स्थल में अंजाम दी गई। पीड़ित बड़ोदरा निवासी सुनीता वर्मा ने बताया कि वह भतीजी की शादी में शामिल हुई थी। रात करीब 9:30 बजे से 10 बजे के बीच बारात का स्वागत करने के लिए गेट पर सभी एकत्र हुए थे। वह बारात स्वागत में व्यस्त थे, तभी उसे एहसास हुआ कि बैग का वजन कुछ हल्का हो गया। उसने भीड़ से अलग होकर बैग चेक किया तो पता चला कि बैग से जेवर का बॉक्स गायब है। बैग में लंबा कट लगा था। चोर ने बैग काट कर जेवर से भरा बॉक्स और नकदी पार कर दी थी। बैग में करीब 17 तोला सोने के जेवर और 1 लाख रुपए नकद थे। अलवरगेट थाना पुलिस के दल ने दोनों वारदातों की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए शातिर चोर गिरोह के 7 लोगों को तोपदड़ा रेलवे फाटक के निकट से रात करीब 3 बजे दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों की पीड़ितों से शिनाख्त भी कराई गई। इनसे बरामद जेवर और अन्य सामान की तस्दीक भी पीड़ितों ने की है। एसआई दातार सिंह के अनुसार आरोपी वारदात के बाद ग्वालियर एक्सप्रेस के इंतजार में रेलवे स्टेशन के निकट तोपदड़ा रेलवे क्रॉसिंग के पास छुपे थे। पकड़े गए लोगों में नाबालिग बच्चे महिलाएं भी शामिल है। अपने थाना क्षेत्र के अंदर 2 मरीज गार्डन के अंदर बैग लिफ्टिंग की रिपोर्ट हुई थी। ये करीब 8:30 से लेके 9:30 तक ये 2 घटनाएं घटित हुई थी। तो इस पर हमने तुरंत टीम गठित की। हमने सीसीटीवी फुटेज देखे, उसमें जो बच्चों के फुटेज वगैरह आए थे, एक लड़का और एक लड़की का, उसके आधार पर हमने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं जहाँ जहाँ ये डेरे बना के रहते हैं, तो हमने सघन तलाशी शुरू की। पूरी टीम ने हमारे, इसमें दातार सिंह, ब्रजलाल, राम नरेश, हमारी पूरी टीम में करीब 15 से 20 सदस्य उपस्थित थे। और इस सघन प्रयास से और सीसीटीवी फुटेज की मदद से हमने तुरंत संदिग्ध व्यक्तियों को दबोचा और हमने उनसे पूछताछ की। पूछताछ करने पर उन्होंने ये वारदात करना स्वीकार किया। माल भी बरामद के प्रयास जारी है और आज उनको रिमांड पे लिया जाएगा। कल उनको अरेस्ट कर लिया था हमने, तीनों मुलजिमों को, जिसमें 2 का नाम मंगल सिंह है और तीनों ये सवाई माधोपुर और कोटा के रहने वाले हैं। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी यही होता है कि ये जो शादी समारोह है उसमें अपने बच्चों को तैयार करके उस अच्छी खासी वेशभूषा पहना के, ताकि किसी को डाउट नहीं हो कि ये कोई बाहर के बच्चे हैं, और उनको वहाँ फिर ये टारगेट कर लेते हैं कि जो भी महिला जो उस शादी की मुखिया है तो उसको टारगेट करके जैसे भी वो पर्स नीचे रखती है तो 1 मिनट में उसको गायब कर देते हैं। ये हमने इनको रेलवे स्टेशन के पीछे जो डेरे थे वहाँ से हमने इनको दस्तयाब किया था और ये जाने की फिराक में थे। ट्रेन लेट होने की वजह से ये जा नहीं पाए, लेकिन हमने बहुत तीव्र गति से कार्रवाई करते हुए और हमने तलाशी ली और इसी के फलस्वरूप
ये संभव हो पाया। शिकायतकर्ता कौन? शिकायतकर्ता एक तो सुनीता वर्मा है, जिनके टोरंटो मैरिज प्लेस में शादी थी, उनकी भतीजी की शादी थी और काफ़ी गहने वगैरह डाले थे, तो उनका पर्स चोरी हुआ था। और इसके अलावा एक रोहित है जिनका मीनाक्षी वाटिका है, वहाँ से बैग लिफ्टिंग हुआ था। अजमेर में पहली वारदात ये इनकी, पहले भी कर चुके हैं? आपने कल अरेस्ट किया, आज इनका पुलिस रिमांड लेके इनसे सघन पूछताछ करेंगे और संभावना है कि काफ़ी वारदात खुलने की। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।